सबसे पहले बाउल में आधा किलो मैदा लेंगे, फिर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून नमक और 3 टेबल स्पून ऑयल डालकर मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है, अब थोड़ा सा पानी डालकर फिर मिक्स करेंगे। और इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे को गूंद लेंगे। गूंदते हुए ख्याल करना है कि मैदा ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम। मैदा गूंद चुका है, अब हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैदे को ग्रीस करेंगे और आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब कचौरी का कीमा तैयार करेंगे, उसके लिए हमने आधा किलो कीमा लिया है और उसमें शामिल करेंगे 1 अदद बड़े साइज़ की चॉप की हुई प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 3 से 4 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च, नमक 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर मिक्स कर लेंगे। मसाले मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर फिर मिक्स करेंगे और ढककर 15 से 20 मिनट पका लेंगे। बीस मिनट हो चुके हैं, अब शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून, सूखी मेथी 1/2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून हरा धनिया डालकर भुनाई कर लेंगे। कीमा रेडी हो चुका है, अब कचौरी के लिए लई तैयार कर लेंगे। लई तैयार करने के लिए सबसे पहले लेंगे 2 टेबल स्पून मार्जरीन, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून घी डालकर मिक्स कर लेंगे। लई तैयार हो चुकी है, अब कचौरी के लिए पेड़े तैयार कर लेंगे। मैदे को हाथ की मदद से इस तरह रोल कर लेंगे और फिर बराबर साइज के पेड़े काट लेंगे। अब सबके पेड़े बना लेंगे। पेड़े तैयार करके ऑयल लगाकर 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब पेड़े को बेल लेंगे। बेलने के बाद तैयार की हुई लई लगाएंगे और फिर इस तरह फोल्ड कर लेंगे। पेड़ा तैयार है, अब फोल्ड किए हुए पेड़े को 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हाथ की मदद से एक पेड़े को इस तरह प्रेस करेंगे। और कीमा भर के कचौरी तैयार कर लेंगे। कचौरी तैयार करने के बाद 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब कचौरी को हल्का सा प्रेस करके ऑयल में डाल देंगे। कचौरियों को नीम गरम ऑयल में डालकर फ्राई करनी है और स्लो आंच पर ही अलट पलट करते हुए पकानी है। कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं, अब सब कचौरियाँ निकाल लेंगे। हमारी मज़ेदार बीफ कचौरियाँ तैयार हैं।
सबसे पहले कचौरी के लिए आटा गूंदेंगे। उसके लिए बॉल में लेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1/4 कप ऑयल और 4 कप मैदा डालकर मिक्स करेंगे। मैदा मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लेंगे। पानी एक साथ नहीं डालेंगे वरना मैदा पतला हो जाएगा। मैदा ना ज़्यादा सख्त भूनेंगे ना ज़्यादा नरम। अब थोड़ा सा पानी डालकर मुक्की लगा लेंगे। अब थोड़ा सा ऑयल डालकर मुक्की लगाएंगे ताकि मैदा सॉफ्ट हो जाए। मैदा गूंदने के बाद ऑयल लगाकर आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब तरकारी तैयार करेंगे। तरकारी तैयार करने के लिए पैन में डालेंगे 1 किलो बारीक कटे हुए आलू, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून भुना कुटा जीरा, 1/2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 अदद बड़ी हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक और 4 गिलास पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बॉईल आने के बाद ढककर स्लो आंच पे आलू गल जाने तक पकाएंगे। आलू गल चुके हैं, अब शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कलौंजी, 2 चुटकी जर्दे का रंग और 1/4 चाय का चम्मच टाटरी डालकर आलूओं को मैश कर लेंगे। आलू मैश करने के बाद 1/2 कप हरा धनिया डालेंगे। तरकारी तैयार हो चुकी है, अब पेड़े तैयार करेंगे। पेड़े तैयार करने के लिए थोड़ा सा मैदा लेकर रोल कर लेंगे और तोड़कर छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अब पेड़ों पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अब पेड़ों में दाल भरेंगे। हमने 1 कप चने की दाल पानी में 1 घंटा भिगोने के बाद 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा डालकर बॉईल करके पीस ली है। अब थोड़ी थोड़ी दाल पेड़ों में भर लेंगे। दाल पेड़े में भरने के बाद पेड़े को अच्छे से बंद करेंगे ताकि दाल पकते हुए बाहर ना निकले। अगर पकते हुए दाल बाहर निकली तो कचौरी फूली हुई नहीं बनेगी। पेड़े बनाने के बाद सब पेड़ों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और 10 मिनट के लिए रख देंगे। पेड़े तैयार हैं। अब कचौरियाँ फ्राई करेंगे। कचौरियाँ फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल ले लिया है। अब एक पेड़ा लेकर हल्के हल्के हाथ से हथेली पर फैलाएंगे और नीम गरम ऑयल में डालकर अलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे। हाथ
हमारी मज़ेदार कचौरी और तरकारी तैयार है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।